नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं टेक्निकल मनु जी, और आज हम बताने जा रहे हैं रियलमी एक्स सेवन में नया अपडेट आ चुका है। सेकंड अपडेट है ये, मार्च वाला अपडेट। तो अभी मुझे आज ही नोटिफिकेशन मिली इसकी सुबह, तो ओपन करते हैं, चेक करते हैं क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इस अपडेट के अंदर। तो सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे, अंदर लर्न मोर पर क्लिक करते हैं और देख के बताते हैं। तो ये लिखा है इसमें, अपडेट सिक्योरिटी पैच मार्च 2021 के लिए, और मेन अपडेट है कैमरा के लिए ऑप्टिमाइज्ड द स्लो फोकस इशू इन सम सिनेरियोस, यानी कि स्लो फोकसिंग वाला जो इशू था वो रिजॉल्व हो जाएगा इस अपडेट के बाद। मेरे कैमरे में लैग आ रहा था, अब ये नहीं पता चल पा रहा कि सिर्फ मेरे कैमरे में ये प्रॉब्लम है या फिर और भी जो रियलमी एक्स सेवन यूज़ करें उनके कैमरे में भी लैग वाला प्रॉब्लम है। अगर आपके भी कैमरे में जैसे फ़ोटो खींचने बाद दूसरी फ़ोटो के लिए तैयार होते हैं तो इसके बीच में लैग करता है, तो ज़रूर कमेंट करके बताना, शायद वो भी इस अपडेट का सही हो जाए। बाकी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे अभी फ़ोन को यूज़ करते करते, सिर्फ यही कैमरे वाली दिक्कत आ रही है। तो मैं इसे डाउनलोड करता हूँ और बताता हूँ इसके बारे में और भी चीज़ें कि कैसा मुझे महसूस हो रहा है इस फ़ोन को यूज़ करते करते। बात की जाए बैटरी, बैटरी में तो कोई शिकायत है ही नहीं, बैटरी बहुत अच्छी चल रही है, बैटरी बैकअप अच्छा है। अगर मैं सुबह चार्ज करता हूँ 9-10 बजे, तो मुझे शाम को 6 बजे तक 60% 70% में मिलती है इस तरह से, और अगला दिन भी चल जाता है। अगर आराम से नॉर्मल यूज़ करें तो 2 दिन खींच देगी ये बैटरी, और हैवी यूज़र है तो 1 दिन बहुत अच्छा काट देगी। मेरा काम चल रहा है इसमें, ये नहीं कि दिन में 2-3 बार चार्जिंग में लगाना पड़ता हो, ऐसा नहीं। अगर लगाना ही पड़ेगा आपको चार्जिंग अगर चाहिए तो बहुत फास्ट चार्जिंग है इसमें, 50 वाट का चार्जर सपोर्ट करता है ये। तो चलो इसे डाउनलोड होने देते हैं, फिर मिलते हैं। 300 कुछ MB का था ये, 93% इस पर आ चुका है। डाउनलोड कंप्लीट होने वाला है, फिर देखते हैं कितना टाइम लेता है बूट अप पे, और फिर देखते हैं उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर आपको अब तक अपडेट नहीं मिला तो एक बार फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना और फिर चेक करना, आपको अपडेट मिल जाएगा। तो अब करते हैं अपडेट नाउ पे, यही कुछ प्रोसेस है जिससे आप अपडेट कर सकते हैं आराम से। मतलब रीस्टार्ट हो चुका है, प्रोसेस चलेगा, टाइम तो लगता है थोड़ा बहुत, 4 मिनट शो कर रहा है इसमें, 4 मिनट में काम हो जाएगा इसका, शायद उससे पहले। तो 4 मिनट कंप्लीट हो गए हैं इसको अपडेट होने के बाद, अब फिर रीस्टार्ट हो रहा है, अब देखते हैं क्या ये एंड्रॉयड 11 में कन्वर्ट होगा फ़ोन, या फिर ये सिक्योरिटी अपडेट है, सिक्योरिटी पैच अपडेट, पैच फाइल वाला, सिक्योरिटी पैच वाला, या फिर 11। लोग बहुत सारे लोग, मैंने अभी वीडियो चेक करी तो उन्होंने 11 के हिसाब से नाम डाल रखा है, अभी तो फ़िलहाल नहीं आने वाला मुझे भी ऐसा लग रहा है, देखते हैं, उम्मीद करेंगे ज़रूर आएगा, जल्दी आएगा, क्योंकि रियलमी अपडेट दे रही है, हर महीने दे रही है, फरवरी में भी आया था, ये मार्च वाला है, देखते हैं अब अप्रैल वाला कब आएगा। देखिए जो भी लेटेस्ट होगा वो देते रहते हैं, हर महीने मिलता रहे तो हमें भी लगेगा कि सही फ़ोन खरीदा है। फ़िलहाल मैं सेटिस्फाई ज़्यादा नहीं हूँ इस रियलमी से, क्योंकि मैंने ओप्पो चलाया है, ओप्पो की जो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग, वो बहुत ही बढ़िया थी, साउंड रिकॉर्डिंग, नॉइज़ कैंसिलेशन जो कि इसमें नहीं है ज़्यादा अच्छा, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ लेता बाहर की, जो नॉइज़ कैंसिलेशन करना चाहिए, यानी जो माइक के पास बैठा हुआ इंसान जो बोल रहा है फ़ोन से, वो आवाज़ जितनी साफ़ नहीं है ले पाता, जिसमें और सबकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। अगर साथ में म्यूज़िक चल रहा है जैसे डीजे पे, तो बहुत 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 बड़ा आवाज़ आती है, बहुत बेकार, मतलब यानी म्यूज़िक क्लियर नहीं रिकॉर्ड करता है अगर अच्छा बेस आ रहा तो, जबकि ओप्पो में ऐसी शिकायत नहीं थी, वो नॉइज़ को कैंसिलेशन करता था और अच्छी रिकॉर्डिंग करता था, सॉन्ग भी अच्छे से आता था रिकॉर्ड। चलो देखते हैं उस अपडेट का क्या होता है। बाकी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जो इस वीडियो को देखें, प्लीज़ अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं,
शेयर करने वाला ऐसे कुछ है नहीं, सभी को ये अपडेट मिलने वाला है कुछ दिन में। टाइम लिया इसने तो काफ़ी, देखते हैं स्मूथनेस कैसी आ रही है। ठीक है, चेक करें सेटिंग में जाके। सेटिंग में चेक करें अबाउट फ़ोन में, एंड्रॉयड 10 है अभी, नया कुछ नहीं हुआ अभी। और क्या सिक्योरिटी, मार्च का अपडेट आया है 5 मार्च 2021 एंड्रॉयड 10 वर्जन। अब जैसा ये बोल रहे थे थोड़ा सा अपडेट किया है इसने, इन्होंने कैमरे में क्या अपडेट हुआ है। इतना टाइम लगेगा कैमरा चलने में, लैग हल्का हल्का लग रहा है अभी भी। फिर से ऑपरेट करते हैं, ओपनिंग करते हैं इसकी। टाइम ले रहा है। मैं तो ये 5G सोच के अच्छा फ़ोन लिया था। मुझे अभी मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाऊंगा इसका कि मैं इससे खुश हूँ नहीं हूँ। इस समय आप जो वीडियो देख रहे हैं ये Asus ZenFone से Max Pro M1 Pro से बन रही है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इसकी है मेरे वाले फ़ोन की, मतलब Asus वाले की। उसकी स्टेबलाइजेशन बहुत बढ़िया है, अभी तो इसमें फ्लैश चल रहा है। एक दो फोटो खींचते हैं। लैग कर रहा है। आपने अगर महसूस किया हो देखो, एक फ़ोटो खींचा और फिर इधर उधर मूव करेंगे अटक जाता है फ्रेम। बाकी अब देखते हैं ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ। ये देखो ऐसे ऐसे अटकता, अभी अटकाता ना बीच में, यही तो दिक्कत है यार। फिर लगता है कि गलत पैसे बढ़ा दिए मैंने इसमें फ़ोन में। देखते हैं रिकॉर्डिंग कैसी है। अभी भी अभी देखना जरा। दोस्तों मैं हूँ मन, ये देखो। हेलो दोस्तों मैं हूँ मन, ये देखो ऐसे ऐसे अटकता, अभी अटकता बीच में। हेलो दोस्तों मैं हूँ मन, अटक रहा ना ऐसे ऐसे अटकता, मैं हूँ मन, ये देखो ऐसे ऐसे अटकता, अभी अटकता बीच में। ये तो दिक्कत है यार, फिर लगता है कि गलत पैसे बढ़ा दिए मैंने इसमें फोन में। नॉइस कैंसिलेशन तो सही हुई है, लेकिन हाँ लैग वाली दिक्कत है, पता नहीं कब जाएगी। है अपडेट कर लिया है फिलहाल, तो मैं चलाऊंगा इसको कैसे भी चलाऊं, इसके बारे में आपको अवगत कराता रहूंगा कि आपको ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए। वैसे तो मैं कहूंगा यार अच्छे ब्रांड पे जाओ, ये अच्छा है, लेकिन अब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम देगा तो फिर बेकार है मेरे लिए। तो बाकी लॉन्ग टर्म रिव्यू आएगा जल्दी, वेट करो। मैं ऐसे रिप्लेस कर चुका हूँ एक बार इसके नॉइज़ कैंसिलेशन चक्कर में, अब क्या रिप्लेस करूँ, एक सवा महीना हो गया डेढ़, डीओ भी नहीं बनेगा। तो अपडेट कर दिया है, ये प्रोसेस था, आपने देख लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक्निकल मनोजी को सपोर्ट करते रहिए।